जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के काला ढूंगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर बलिदान दिवस मनाया। काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस समय कश्मीर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी बनाई थी, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई है। उस समय यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ना होती। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही योग्यता और दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस केवल इस बात के लिए छोड़ी कि कांग्रेस ने देश के हित में निर्णय नहीं लिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का प्रधान अलग होगा, झंडा अलग होगा, वहां का मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहेंगे, वहां का संविधान अलग होगा, तो इसका विरोध करके कांग्रेस छोड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की।